तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग गोडैडी वेबसाइट से डोमेन नेम खरीद के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, डोमेन्स नेम कुछ ऐसे डोमेन नेम रहते हैं जो लाखों में बिकते हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको इस वेबसाइट पर सबसे पहले विजिट करके इसमें लॉगिन कर लेना है, और इस वेबसाइट की जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये GoDaddy.com का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे आपको देखिए सर्च बार दिख रहा है, इसमें आप डोमेन नेम यूनिक सर्च कीजिए। पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कौन से यूनिक नेम्स होते हैं। जैसा कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, readers.com। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे readers.com लिया हुआ है, मैं जस्ट readers रखूँगा। मैंने readers कर दिया तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन नेम आ चुके हैं। तो फर्स्ट वन जो सबसे पहला ही है वो प्रीमियम है, read.club है। यहाँ पे डॉट क्लब का एक्सटेंशन है, और आप लोग इसकी प्राइस देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी प्राइस लगभग 1,07,000 अप्रॉक्स दी है वैल्यू। अगर आप इसे परचेस करेंगे तो आपको इसी अमाउंट में पड़ेगा, बट आपको विश्वास नहीं होगा, इस जिस किसी ने भी ये जो भी डोमेन नेम खरीदा है जस्ट 99 या 500 रुपीज़ में उसने खरीदे रहेंगे। बट ये जो डोमेन नेम है बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा सर्चेबल है, इसलिए उसने जानबूझ के, मतलब हर कोई बिजनेस करना चाहता है इस तरीके से, तो इसलिए उसने इसकी प्राइस इतनी हाइक करके रखी है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कैसे पूरा काम करने वाला। आगे देखिए, नीचे और भी आके देख लेते हैं हम लोग बाकी सब। तो देखिए नॉर्मल 500, जैसा मैंने आपको बोला 500 रुपीज़ का पड़ता है। अब वापस और नीचे देखिए, देखिए प्रीमियम एक और दिया है, रीडर्स लिखा है यहाँ पर, रीडर्स से डॉट कॉम। इसकी प्राइस देख लीजिए 1,63,000 है। सबसे पहले आपको एक डोमेन ख़रीद लेना है, जैसे कोई भी यहाँ पे डोमेन आपको पसंद आ रहा है, 449 का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, जो भी उसका टैक्स विक्स ऐड होके 800 to 900 में आपको पड़ जाएंगे। ऐसा मत सोचना 500 है तो 500 क्यों नहीं लग रहे हैं, 900 कैसे हो गए। तो आप इस पर ऐड टू काटे करके इसे परचेस कर सकते हैं। अब हम इसे ऑक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस ट्रिपल बार पर जाना है आपको, और यहाँ पर देखिए डोमेन्स, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद डोमेन वैल्यू अप्रेजल है, इस पर क्लिक करना है आपको। डोमेन वैल्यू अप्रेजल में ही आपको अपना डोमेन डालना है, तो जो भी आपने डोमेन परचेस करेगा वही एग्जैक्ट डालना है विथ एक्सटेंशन के साथ। अगर आप सोचेंगे मैं सिर्फ डोमेन नेम डालूंगा तो वो किसी और का पिकअप कर लेगा, तो मैं विथ एक्सटेंशन के साथ अपना डोमेन डालूंगा यहाँ पर, और गो वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। गो वैल्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी इस डोमेन की रेट रहेगी अप्रॉक्स, ये वेबसाइट अपने तरीके से एस्टिमेटेड वैल्यू बताएगा, तो ये $1,100 का बता रहा, तो अप्रॉक्स ये 80,000 होगी। तो आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते, और इतना भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन आएगा आपके पास। देखिए लिस्ट फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू या लिस्ट फॉर अनदर प्राइस, मैं लिस्ट फॉर अनदर प्राइस करके $1,500 कर देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए करो बस। उसके बाद चूज़ हाउ टू गेट पेड, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपको कहाँ से जो भी परचेस करेगा क्लाइंट इस डोमेन नेम को, वो आपको पे कैसे करेगा और कहाँ वो पैसे आएंगे। तो उसके बाद आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आपकी सारी डिटेल्स डाल देनी है। मैंने डाल दिया है और मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बाय क्लिकिंग लिस्ट फॉर सेल यू आर एग्रिंग टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इनका एग्रीमेंट है वो हो जाएगा, मतलब आप एक्सेप्ट करें इसलिए आप लिस्ट फॉर सेल कर रहे हैं। तो लिस्ट फॉर सेल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रीमियम लिस्टिंग लिस्ट फॉर सेल, डोमेन नेम दिख रहा है सक्सेस, योर डोमेन विल बी लिस्टेड मोमेंटरीली, इट विल बी अवेलेबल ऑन GoDaddy.com विद इन 24 hours। तो एक विद इन 24 hours के अंदर ये इसमें अपडेट हो जाएगा इनकी लिस्ट में, ऑक्शन लिस्ट में, जिससे सबको ये ऑक्शन में दिखने लगेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कुछ इसी तरीके से काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा कि लोग GoDaddy से डोमेन नेम सिर्फ परचेस करके लाखों रुपए कैसे कमाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिक एंड मतलब मेमोरेबल कुछ नेम्स, डोमेन नेम्स सोचना है और उसे फाइंड आउट करना, अगर वो अवेलेबल है तो उसे परचेस कर लेना है,
और ऑक्शन में सेल करना है। आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया शायद समझ गया होगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की बेहतरीन एंड टेक्निकल बेस्ड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए यार, और दोस्तों के साथ शेयर करना ही करना है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए ना, तो वीडियो को शेयर कर दो यार। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर मिलेंगे इसी तरह की बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।